हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल जो असिस्टेंट लोगों को पायलट के लिए जो टेक्निकल बुक, मतलब आप लोग पूछ रहे हो कि टेक्निकल बुक कौन सी लें, कैसे प्रिपरेशन करें, तो आज इस वीडियो में उसी के ऊपर बात होगी। और दूसरा टॉपिक भी आज इसमें हम कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक है फिजिकल, हमें मतलब कैसे अपना मेंटल फिजिकल फिट करना है, क्योंकि डिफेंस लाइन में भी बहुत अच्छा कैरियर है। CRPF, RPF, दिल्ली पुलिस, जिसका तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली और हरियाणा वाले बच्चों के लिए। तो जो ALP की जो मतलब तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, उन्होंने या तो ITI किया होगा या तो डिप्लोमा किया होगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ITI जब आपने किया था, तो उस समय जो कोर्स आपने लिया था, और जो बंदे जिन्होंने जो डिप्लोमा किया था, उस समय जो कोर्स उनको पढ़ाया जाता था, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम होगा वो उसी के टच से होगा, जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो उसमें से आएंगे। तो आप जब उस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस समय जो आपने कोर्स पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए अब अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से मैं आपको बताऊं, क्योंकि सबके लिए कोई एक बुक स्पेसिफिक नहीं रहेगा, अलग अलग बुक होगी। तो अब मैं एक बुक तो नहीं बता सकता ना सब लोगों को, सबको अलग अलग मतलब चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक से ही मतलब प्रिपरेशन होगा। आप लोगों को करना क्या है, जैसे एक RS खुरमी है, वो मैकेनिकल की बुक है, वो अच्छी बुक है। वो जैसे जिन्होंने मैकेनिकल ITI किया हो, फिटर से किया हो, तो उनके लिए वो RS खुरमी बुक बहुत अच्छी है। और जो दूसरे ट्रेड से किए, उनके लिए अलग अलग बुक्स है। जब आप ट्रेड बताओगे तब आपकी बुक स्पेसिफिक हो पाएगी कौन सी अच्छी बुक है। तो टेक्निकल की बुक का तो सवाल थोड़ा बहुत मैंने बता दिया है, और बाकी आपके जो क्वेश्चन होंगे कमेंट करना। व्हाट्सएप पे नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि फिजिकल हमें कैसे फिट रहना है, क्योंकि देखो एक ही चीज़ को पकड़ के बैठने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने अभी बताया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, कि मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, कैरियर बहुत सुनहरा है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो आँखों की प्रॉब्लम के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, और भी जो प्रॉब्लम्स हैं आपको वो बताइए, तो मैं उस पर वीडियो या फिर आपको कॉल के माध्यम से आपको सजेशन दूंगा, आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। देखो डेली रूटीन हमारा जो है वो अच्छा होना चाहिए, और मैं तो मानता हूँ कि देखो मैं अभी गाँव में हूँ, तो गाँव वाले बच्चे जो हैं, जो यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, तो गाँव के बच्चों को मैं अच्छा बताऊँगा कि वो कर सकते हैं। एक शहर के बच्चे के मुकाबले गांव का बच्चा बहुत जल्दी ही ये फिजिकल पास कर सकता है, क्योंकि यहाँ का रहन सहन, खान पान, हवा बहुत अच्छी होती है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि RPF में बहुत ह्यूज वैकेंसी आने वाली है, तो ये सत्य है। RPF के लिए आप बिल्कुल एकदम डटे रहें। आपको चाहिए क्या, 5 किलोमीटर की रनिंग आपकी पूरी होनी चाहिए। और रनिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और आप सबको बताऊंगा कि रनिंग हमें कैसे करनी है, कैसे कंप्लीट करनी है। दूसरा, हमें मतलब हाइट में कन्फ्यूज़न रहता है, तो हाइट देखो 165 170 के बीच में आप रखो। हाईली 170 मांगा जाता है किसी किसी विभाग में, नहीं तो 165 तक रहता है। RPF में 165 है। आई का मैंने आपको बताया, हाइट भी हो गया, चेस्ट 80 से 85 होनी चाहिए। रनिंग आपको कैसे करनी है उसका एक स्पेशल वीडियो मैं लाऊंगा। और बाकी आपको फिट रहना है, आपको ये सोच लेना है कि आप फिट हो और आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल एकदम हैवी सा होगा। देखो दो ऑप्शन होते हैं कैरियर के। कुछ बच्चे क्या होते हैं गाँव के, मैं देख रहा हूँ कि वो BTech, MTech मतलब साइंस लेवल में विश्वास रखते हैं। तो मैं तो ये नहीं मानता, क्योंकि साइंस लेवल में ही पूरा भविष्य नहीं छुपा है। सबसे ज़्यादा भविष्य तो आर्ट्स लेवल में छुपा है, कॉमर्स लेवल में छुपा है। जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, उसमें बहुत अच्छा मतलब स्कोप है फ्यूचर में। तो आप आर्ट्स से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़िए।
बाकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते रहूँगा, आप बस क्वेश्चन कीजिए, उसके आधार पर मैं वीडियोस आपको बना के अपडेट करता रहूँगा। और रेलवे में अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, कमिंग जून, मुझे भी इन्फॉर्मेशन यही है कि कमिंग जून वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको भी बता रहा हूँ, लेकिन जैसे ही आता है मैं आपको तुरंत सूचित करूँगा, आप बस प्रिपरेशन करते रहें, और जो भी सवाल जवाब हो आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊँगा। फिजिकली फिट कैसे रहना है, जो आप हल्का फुल्का खाना पीना खाते हैं वही खाएं, और सुबह सुबह थोड़ा सा रनिंग कीजिए, वॉक कीजिए, जैसा भी हो, और अपने आप को ये मान लीजिए कि फिट हो बस, और कुछ ज़्यादा हवा बड़ी चीज़ नहीं करनी आपको कि कुछ लेना है देना है, सिंपल सा। और कोई यूनिक प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बॉडी में अगर कोई यूनिक प्रॉब्लम है तो बताइए, सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। और कैरियर के बारे में अगर कुछ आपको कन्फ्यूज़न है या फिर आप भ्रमित हो रहे हैं कि करना क्या है, कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर सुझाव दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।